वेलकम टू बैक एकेएस लर्निंग को आपण मानक स्वागत। आज आम क्लास नाइन्थ साइंस रो चैप्टर वन को आम देखा जार नाँ हूँ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। आम चारिपटे मैटर्स विषय आम अधिक जानवा। तो यही चैप्टर को आम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवा ओडिया बुझाप चेस्टा करवा। आज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट टेक्सचर्स। आम आम सराउंडिंग रे आम आम चारिपटे बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखुचे बहुत सारा थिंग्स देखुचे जो थिंग्स गुड़िकर भिन्न भिन्न शेप अच्छी एंड भिन्न भिन्न साइज अच्छी ता सहित से टेक्सचर भी भिन्न भिन्न अच्छे। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। यूनिवर्स रे जेते गुड़ी भी जिनस आम देखुचे ता सबकि किसी मटेरियल द्वारा तैयारी जहाँ को साइंटिस्ट माने कहते आउ साइंटिस्ट माने सही मटेरियल ना को कौन देखते ना ना देखते मैटर। ओके तो आम चारिपटे यूनिवर्स रे जिते गुड़ी भी जिनस अच्छी ताहा क्यों थे तैयारी अटे ताहा मैटर रे तैयारी अटे। द एयर वी ब्रीथ आम जो एयर को ब्रीथ हिसाब से यूज करचे तो से एयर भी एक प्रकार मैटर अटे। आम जो आमको भूक लगे आम जो खाद्य खाऊे जहाँ को आम फूड बोली कहे तो ता भी एक मैटर अटे। ता सहित आम आम चारिपाखे जहाँ स्टोन देखुचे क्लाउड्स देखुचे स्टार्स देखुचे प्लांट्स देखुचे एनिमल देखुचे ये सब हूँ गोटे गोटे मैटर। ओके इवेन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर गोटे टोपा पानी मध्य को आम मैटर बोली कहवा आउ गोटे बालीर गोटे दाना को आम मैटर बोली कहवा। एवरीथिंग इज मैटर सबकि मैटर अटे। वी कैन ऑल्सो सी आज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशनड अबव अकुपाए स्पेस एंड हेव मास। उपर जो जिनस गुड़क कथा कहला से एयर हो फूड हो स्टोन हो क्लाउड हो स्टार हो प्लांट हो एनिमल हो इवेन आमर ड्रॉप ऑफ वाटर हो कि आमर पार्टिकल ऑफ सैंड हो समस्त कि कौन अच्छी ना कि से माने कि स्पेस अकुपाए करती से माने कि मास भी अच्छे। अच्छा कह मास अर्थ कौन मास अर्थ हूँ ओजन। ओके जेकोसी ऑब्जेक्ट किसी ओजन थाए छोट वस्त्र ओजन छोट बड़ वस्त्र ओजन बड़ थाए जहाँ को आम मास बोली कहचे कौन कौचे मास बोली कहचे। तो प्रति ऑब्जेक्टर किसी मास अच्छी ता सहित से माने किसी स्पेस अक्युपाए करती स्पेस अर्थ कौन स्पेस अर्थ आकाश नुह स्पेस अर्थ हूँ किसी जगह माड़ बसा जमीन तुम क्लास रे बेंच उपर जो बसुच तो तुम किसी जगह अक्युपाए कर नहीं कि जदि अल्प जगह ही थी तो तुमको से हुए तो तुम से तुम फ्रेंड मान को सैड कर मझे बसा चेषा करो। ओके तो ताको स्पेशली कहा जाए। तो प्रत्येक ऑब्जेक्ट व प्रत्येक मैटर किसी स्पेस अक्युपाए करे ता सहित से किसी मास भी थाए। तो मोटामोटी रूपे आम मैटर क्या कहीपर ना जो ऑब्जेक्टर मास थाए सहित वॉल्यूम थाए एठार वॉल्यूम ही दर्शेला स्पेस को। तो जो ऑब्जेक्ट किसी स्पेस अक्युपाए करें तो आम कहीपर जो तार वॉल्यूम अच्छी। ओके तो स्पेस सहित वॉल्यूम रो लिंक अच्छी। तो जो ऑब्जेक्टर किसी मास थाए से किसी वॉल्यूम थाए तो से जिनसटा को आम मैटर बोली कहीपर। तो मैटर मैटर डेफिनेशन आम कौन लिखिपर द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज सम मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर्स। ओके सिंस अर्ली टाइम्स आगर ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य जाति हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। आग काल मनुष्य मैंने निजर सराउंडिंग को निजर चतुर्पार्श्व को बुझाप बहुत चेष्टा करती। अर्ली इंडियन फिलोसोफर पूर्व कालर भारतीय दार्शनिक माने फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक क्लासिफाइड विभागीकरण करछंती भाग भाग करछंती मैटर को केते भाग रे ना फाइव बेसिक एलिमेंट्स पांचटी एलिमेंट रे विभक्त करछंती। तो जे कोनसी ऑब्जेक्ट केतोटी एलिमेंट रे तयारी बोली कहछंती ना पांचटी एलिमेंट अर्थात गोटे मैटर केतोटी एलिमेंट रे तयारी ना पांचटी एलिमेंट रे तयारी। तो से पांचटी एलिमेंट ना कोन कोन एयर अर्थ फायर स्काय एंड वाटर। तो जहाँ को ओडिया तुम पढ़ुच वायु पृथ्वी निया आकाश एवं पानी यही पांचटी एलिमेंट को लेकर जेकोसी थिंग्स जेकोसी ऑब्जेक्ट तैयारी अटे। ये पांचटी एलिमेंट को हाला एमान को पंच तत्व कह जाए कौन कहुए पंच तत्व। तो यदि परीक्षा आसव व्हाट आर दि पंच तत्व देन आम आंसर लिखिपर द पंच तत्व आर एयर अर्थ फायर स्काय एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम से ही इंडियन फिलोसोफर मानक मतरे एवरीथिंग सब जिनस से लिविंग हो
कि आम नॉन लिविंग अच्छा लिविंग आउ नॉन लिविंग आम कौ कहवा ना जो ऑब्जेक्टर लाइफ अच्छे जो मैंने मूवमेंट करते निजे सुरु जो मैंने रिप्रोडक्शन करते निजर वंशवृद्धि करते जो मैंने ग्रो हो पारती जो मैंने एक्सक्रेटा बाहर करते मलत्याग करती तो से आम लिविंग बिंग्स कहींपर आज जो मैंने करते ना से आम नॉन लिविंग कह ओके तो समस्त से लिविंग हो कि नॉन लिविंग हो समस्त ही पांचटी तत्व बा पंचतत्व को नहीं तैयारी अटंती बोली भारतीय दार्शनिक मैंने कहते एनसीएंट ग्रीक फिलोसोफर्स हेड एराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इवेन ग्रीक रो जो फिलोसोफर मैंने थे से माने भी यही जिनसटा को लेकर राजी हेबार अर्थात से भी कह रहे प्रत्येक एलिमेंट बा प्रत्येक ऑब्जेक्ट यही पांचटी तत्व को लेकर तैयारी अटे अर्थात भारतीय फिलोसोफर एंड ग्रीक रो फिलोसोफर मैंने समस्ते यही कथा को लेकर राजी हेबार प्रत्येक ऑब्जेक्ट यही पांचटी एलिमेंट को लेकर तैयारी अच्छा ग्रीक अर्थ कौन ग्रीक अर्थ हो ग्रीस लोक मान ग्रीक कहुए तो ग्रीस क्यों कंटिनेंट्रे पड़े ठीक यूरोप कंटिनेंट पड़े क्यों कंटिनेंट पड़े यूरोप ओके मॉडर्न डे साइंटिस्ट आधुनिक वैज्ञानिक मैंने हेव इवल्वड टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी बा केमिकल नेचर तो आधुनिक युगर वैज्ञानिक मैंने इवल्व करछन्ति अर्थात बाहर करछन्ति दुई प्रकार क्लासिफिकेशन तो मैटर को केते प्रकार क्लासिफिकेशन कराई दुई प्रकार से मानकर फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस करी से मानकर केमिकल नेचर को बेस करी ओके तो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर को बेस करी ऑब्जेक्ट गुड़ी को दुई कैटेगरी विभक्त कर मैटर को दुई भागरे विभक्त कर चैप्टर रे वी शैल लर्न आम देखा अबाउट मैटर मैटर विषय देखा से मानकर फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस करी से किपरी विभागकरण करके तो मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टी को बेस करी से किपरी विभागकरण क्लासिफिकेशन कराई से गुड़क आम यही चैप्टर देखा आउ केमिकल प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी कौन आउक आधार कर मैटर गुड़ी कौन कराई के क्लासिफिकेशन कराई से गुड़क आम आगामी चैप्टर में देखा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर तो मैटर रो फिजिकल नेचर कौन अटे बा भौतिक प्रकृति कौन अटे मैटर इज मेड अफ अ पार्टिकल तो मैटर रो जो फिजिकल नेचर कहे ये किसी प्रॉपर्टी अच्छी से प्रॉपर्टी विषय में देखा जे प्रत्येक मैटर बहुत सारा पार्टिकल को लेकिन तैयारी ओके ये हूँ प्रथम सेकेंड कौन आसो देख सेकेंड कौन आए देख सेकेंड कौन आ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर ये जो मैटर रो पार्टिकल गुड़िक बहुत सान अटे यहाँ हूँ सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट कौन सॉरी ये दुईटी विषय ही आम पढ़ा ओके तो प्रथम आसला मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल अर्थात मैटर गुड़िक बहुत सारा पार्टिकल को लेकर तैयारी अटे फॉर ए लॉन्ग टाइम दीर्घ समय पर्यंत टू स्कूल्स ऑफ थॉट दी प्रकार थॉट प्रोसेस प्रिभेल अर्थात रही रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर मैटर र प्रकृति को आधार कर दी प्रकार स्कूल थॉट प्रोसेस थी दी प्रकार स्कूल थॉट प्रोसेस अर्थ हो दुई प्रकार चिंताधारा रखि लोक थे टू स्कूल्स ऑफ थॉट कह जाए अर्थात गोटे ग्रुप्र लोक गोटे टॉपिक को एग्री करते आउ गोटे ग्रुप्र लोक आउ गोटे टॉपिक को एग्री करते तो से कहुए टू स्कूल्स ऑफ थॉट तो दीर्घ समय पर्यंत टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिभेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर तो ता भितर गोटे स्कूल कौन बिलीव करते ना गोटे स्कूल बिलीव करते मैटरटा गोटे कंटिन्यूस अटे क्या भाया ना ब्लॉक ऑफ फूड अर्थात देख यहाँ हूँ एक काठगंडी ये काठगंडी देख पूरा कंटिन्यूस अटे कि ना यह कंटिन्यूस अटे ये कौन सी ब्रेक ना तो यह कहुए ब्लॉक ऑफ फूड कंटिन्यूस ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड बोली कहुए तो पार्टिकल गुड़िको से प्रकार या मैटरटा से प्रकार अच्छी बोली लोक मैंने चिंता करार गोटे ग्रुप ऑफ स्कूल रो व्हेयरएज अन्य पक्ष रे द अदर थॉट अन्य गोटे स्कूल रो थॉट प्रोसेस को प्रकार थिला जे मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स जे मैटरटा बहुत सारा पार्टिकल को लेकिन तैयारी जमी सेंड जो आम हाथ में बाली मुठाए धरचे से बहुत सारा दाना आसी तो ठीक से ही प्रकार जेकोसी वस्तु जेकोसी ऑब्जेक्ट जेकोसी मैटर बहुत सारा पार्टिकल को लेकिन तैयारी से आम चॉक हो कि आमर बिस्केट हो कि आमर ब्रिक हो तो जो भी मैटर हो सबुजाक किसी ना कि पार्टिकल को नहीं तैयारी अटे ओके तो दुई दुई प्रकार थॉट प्रोसेस स्कूल रो
ତାଙ୍କର ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କହୁଥିଲା ଯେ ଅବଜେକ୍ଟ ବା ମେଟର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ ଅଫ୍ ଉଡ଼୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟରଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ମେଟରଟା ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିକଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି। ଓକେ, ତ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିକଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଦୁଇଟା ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ରୁ କାହାର ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତ ଲେଟ୍ ଅଜ୍ ପରଫର୍ମ ଆନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ତ ଚାଲ ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ପରଫର୍ମ କରିବା, ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମେଟର ନେଚର୍ କ'ଣ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଟରଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅଟେ ନା ପାର୍ଟିକଲ୍ଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି। ତ ଲେଖା ଦେଖ ଏଠାରେ, ଇଜ୍ ଇଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅର୍ ପାର୍ଟିକୁଲେଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ନା କାଠଗଣ୍ଡି ଭଳିଆ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରାହେଇଛି, ଆ ପାଇଁ କ'ଣ କରାହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଏକ ଜାର୍ ନିଆହେଲା, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ପକାହେଲା, ତାପରେ ସେଥିରେ କିଛି ସଲ୍ଟ ବି ଆଡ଼୍ କରାହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ ହେଇକିରି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ମଣ୍ଡ ବସିଯାଇଛି ବା ପ୍ରେସିପିଟେଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ କରାହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକ୍ ଆଣିକି ସେଥିରେ ସ୍ଥିର କରାହେଲା ବା ଘାଣ୍ଟା ହେଲା, ତ ସେ ସଲ୍ଟର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିର ପାର୍ଟିକଲ୍ରେ ମିଶିଗଲା। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଲେଖାଇ ଦେଖ, ଟେକ୍ ଏ 100 ml ଅଫ୍ ବିକର। ତ 100 ml ଏକ ବିକର ନିଅ, ଫିଲ୍ ହାଫ୍ ଦ ବିକର ୱିଥ୍ ୱାଟର, ସେହି ବିକରର ହାଫ୍କୁ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଫୁଲଫିଲ୍ କର, ଏବଂ ମାର୍କ ଦ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର, ଏବଂ ୱାଟର ଲେବଲ୍କୁ ମାର୍କ କର। ଅର୍ଥାତ୍ 100 ml ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଥିରେ ନେଲେ ତାକୁ ମାର୍କ କର ଯେ ତା'ର ହାଇଟ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ହାଇଟ୍ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲ୍ଟ ପକାଇଲେ ଆର ହାଇଟ୍ କ'ଣ ହେବ, ଟିକିଏ ଉଠିଯିବ। ତ ବେସ୍ଟଟା ଥିଲା ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ସଲ୍ଟ ପକାଇବା ପରେ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ବୁଢ଼ି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ତ କିଛି ସଲ୍ଟ କିମ୍ବା କିଛି ସୁଗର ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ ରଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟ। ଅବଜର୍ଭ ଏନି ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍, ତା'ର ୱାଟର୍ ଲେବଲ୍ର କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି କି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ୍ ହେଜ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ଦ ସଲ୍ଟ, ସେ ସଲ୍ଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେ ସଲ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ହ୍ୱେଟ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଡିସାପିୟର୍, ସେ କେଉଁଠାରେ ଡିସାପିୟର୍ ହେଲା ନା, ପାଣିରେ ଡିସାପିୟର୍ ହେଲା। ଡଜ୍ ଦ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ଚେଞ୍ଜ, ପାଣିର ଯେଉଁ ଲେବଲ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା କି, ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ୟେସ୍। ଇନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦିଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍, ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଦାଟ୍ ମେଟର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଯେ ମେଟର୍ ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଅପ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ, ତ ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟିକଲ୍କୁ ନେଇକରି ମେଟର୍ ଯେଉଁ ତିଆରି, ଏହି ଥର୍ଡ଼ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍ପୁନ୍, ଆଚ୍ଛା ସ୍ପୁନ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଓବିୟସ୍ଲି ସଲ୍ଟ ଥିଲା, କିମ୍ବା ଆମେ ସୁଗର ବି ନେଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଉ ହେଜ୍ ନାଓ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ୱାଟର୍, ଏବଂ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇଲେ ସେ ସଲ୍ଟକୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ସେ ସୁଗର ହଉ ପାଣିର ଚାରିଆଡ଼େ ଫେଲିଗଲା ବା ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଏଇ ଫିଗର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସଲ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରାହେଲା, କି ସମୟ ପରେ ସେ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା, ସଲ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗେପ୍ ଥିଲା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଗେପ୍ ଅଛି, ତ ସେ ଗେପ୍ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ସଲ୍ଟର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଠା ଯାଇ ଫିଟ୍ ହେଲା। ହ୍ୱେନ୍ ୱି ଡିଜଲ୍ଭ ସଲ୍ଟ ଇନ୍ ୱାଟର୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଲ୍ଟକୁ ୱାଟର୍ ସହିତ ଡିଜଲ୍ଭ କଲେ, ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ, ସଲ୍ଟର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇକି ରହିଲା କେଉଁଠି ନା, ପାଣିର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଥିଲା ସେ ପାଣିର ପାର୍ଟିକଲ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା, ସେ ସ୍ପେସ୍ ଯାଇକିରି ରହିଗଲା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ମାନେ ଫିଜିକାଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍। ହାଉ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଦିଜ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍, ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଟର୍ର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ସ୍ମଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ କେତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫିଚର୍ସ। ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଏକ ଫିଗର୍ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାହେଲା ନା, ଏକ ଜାର୍ ନିଆହେଲା, ସେ ଜାର୍ରେ ବା ଏକ ପାତ୍ର ନିଆହେଲା ଯେଉଁଥିରେ 100 ml ପାଣି ନିଆହେଲା। ଓକେ, ତାପରେ କିଛି ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର କେମିକାଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି KMnO4, ଆକୁ କୁହାହେଉଛି ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍। ଓକେ, ପୋଟାସିୟମ୍ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ଯାହାର କେମିକାଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି KMnO4।
ये अर्थ पोटासीयम एम अर्थ मांगानीज और अर्थ ऑक्सीजन। ओके तो 100 ml प्रथम वाटर नेले से किसी माने दुई तीनोटी क्रिस्टल रो पोटासीयम परमांगनेट आम एथरे ऐड करिबा। देखो ऐड करहला तापर कोन करहला अन्य एक पात्र निहला जो थे 90 ml रो पानी निहला। ओके तो एथरे 90 ml रो पानी निहला एवं ये जो प्रथम ये जो जार थिला जो थे पोटासीयम परमांगनेट मिसीसी तो से आम 10 ml बाहर करिगिरी एथरे ऐड करिबा। तो बर्तमान 90 ml पानी थिला 10 ml ऐड हला आर मिश्रण रो। तो देखो आर मध्य देखो रंगर किसी परिवर्तन आसला किंतु यार रंग पूरा गाढ़ अच्छी किंतु आर रंग टिके फिका अच्छी। तापर कौन करला आउ एक जार निहला जो थे पुनर्बार से ही 90 ml रो पानी निहला एवं जो मिश्रण थिला बा जो मिक्सचर थिला से 10 ml बाहर करके एथरे ऐड करहला। तो देखो आर मध्य रंग चेंज हला किंतु एहा थारु एहार रंग टिके फिका आसला। तबे देखो सिने आउ एक जार निहला जो थे भी सही 90 ml रो पानी निहला एवं एथरु 10 ml बाहर करिकिरि एथरे ऐड करहला। तो आर रंग मध्य चेंजेस हला किंतु आ अपेक्षा टिके फिका अछि। तो देखो से जहाँ भी हो एतिकु देखो एथरे जो दुई तीन चामच रो बा दुई तीन जो क्रिस्टल रो जो पोटासीयम परमांगनेट आमे जो ऐड करथले ताकु जेतलो भिन्न भिन्न जार को आमे पठेले तो देखो से माने केते छोटो होइथिबा जोगु पूरा पात्र को से माने कवर कर दउछन्दी। देखो एठारे बहुत अधिका पोटासीयम परमांगनेट रो दाना थिला जहाँ कि पूरा 100 ml रो पानी को कवर कर देला अर्थात 100 ml रो पानी रो चारियाडे तार प्रत्येक पार्टिकल तो पोटासीयम परमांगनेट रो प्रत्येक पार्टिकल 100 ml पानी रो प्रत्येक जगह रे से पहुँच पारथिला। एठरे भी देखो एठरे जतले एथरे में 100 ml बाहर करले तो कोनो एही जो प्रथम जार रे जति कि पोटासीयम परमांगनेट थिला ता कोनो सेकंड को आसी कि नाही सेतरु बहुत अल्प ही आसी किन सेही अल्प आसेले मध्य ता पूरा 100 ml पानी को पूरा कवर कर देला। तबे एथरु जतले हम एही पात्र को आनले तो आर बहुत अल्पअंश रूपक पोटासीयम परमांगनेट यही जार को आसला किंतु से आसिक पूरा पानी को से कवर करदेला जहाँकि आम रंग मध्यम जापे एथरु मत से अल्प बहुत अल्प लास्ट जार को आम आने तार रंग मत देख पर अर्थात पूरा पानी रंग चेंज हो जाए अर्थात पार्टिकल गुड़िक बहुत छोट अटंती आउ से पूरा जगटा को भी कवर करपारती। ओके तो ताको आम बर्तमान लाइन बाय लाइन भाव में देखिबा टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटासीयम परमांगनेट दुई तीनोटी पोटासीयम परमांगनेट क्रिस्टल नियो। तो बर्तमान टे देखिबा पोटासीयम परमांगनेट देखिया को प्रकार। ओके यह हूँ पोटासीयम परमांगनेट रो किसी क्रिस्टल अटे तो ये गुड़ आम नहीं पारिबा। ओके तो ये प्रकार आम दुई तीनोटी क्रिस्टल रो पोटासीयम परमांगनेट नेबा एवं ताको 100 ml रो पानी पानी थी जार रे ताको आमे डिजल्व करिबा डिजल्व करिर अर्थ होची सेथि मिसाइबा। टेक आउट एप्रोक्सिमेटली 10 ml ऑफ दिस तो प्रथम जार रे पोटासीयम परमांगनेट ऐड हला परे सेथिरु 10 ml रो मिश्रण सेथिरु बाहर करो बा सॉल्यूशन बाहर करो मु अन्य एक जार रे 90 ml रो सफा पानी नियो सेथिरु ऐड करो ता पुनर्बार द्वितीय जार रो मध्य 10 ml रो सॉल्यूशन 10 ml रो सॉल्यूशन बाहर कर अन्य एक जार जो थी 90 ml थी से ऐड कर ठीक से प्रकार तृतीय जार नियो से पकाओ। तो ये प्रकार 5-8 थर कर अवश्य 4 थर कराई कि तुम चाहिए अन्य एक जार नहीं पार्टी एथर 10 ml बाहर कर ऐड कर आउ एक जार नब ए 10 ml बाहर कर ऐड कर तो ये प्रकार 7-8 थर कर 5-8 थर कर। अच्छा इज वाटर स्टिल कलर एपर्यंत पानीटा भी कलर अच्छी अर्थात लास्ट थर में ये जो 4 निया था 4 नंबर में मतलब कलर अच्छा ना आप 5 नंबर ना मतलब से कलर ही आसो अवश्य आर कलरटा आपेक्षा फिका हो आप आज जो गोटे जार ना तो आर कलरटा आपेक्षा फिका आसो कितु कलर चेंज हम। ओके तो एथर आम जापारे कौन जानपारे जे पार्टिकल गुड़िक केते छोट अटंती जे से एक मैटर में पूरा से मिस जाती विथ एव्री डायलेशन थ्रो द कलर बिकम्स लाइट इज इट स्टिल विजिबल। तो जदिओ से केते कम नेले मध्य अन्य एक मैटर जो आम अन्य एक मैटर अर्थात गोटे मैटर को सपोज ए नामक एक मैटर अच्छी बी नामक एक मैटर अच्छी तो ए मैटर केते छोटो हेले मध्य ताकु जतले बी मैटर आम ऐड करचे बा डिजल्व करचे बा डायलेशन करचे तो ताहा संपूर्ण रूपे एथिरे ऐड हो जाउछ अर्थात आर प्रत्येक पार्टिकल रो मझिरे एहा जाइकरी मिस जाउछ। तो सेथरु बुझिया पड़ियो जे ये जो मैटर रो पार्टिकल गुड़ी को केते छोटो अटे।
ओके दिस एक्सपेरिमेंट सोज यही एक्सपेरिमेंट दर्शाए जे दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमांगनेट जे के छोटो क्वांटिटी जो पोटासियम परमांगनेट आम ने केन कलर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर जदि आम बहुत अधिका पा भी ने कवर करें अच्छा अल्प क्वांटिटी पोटासियम परमांगनेट जार संकेत हो KMnO4 ता पूरा पा को भी कवर करें सो वी कनक्लूड दैट तेणु आम कनक्लूजन में पहुँच पार सिद्धांत में पहुँच पारे देर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमांगनेट जे एक अर्थात गोटे जदि आम पोटासियम परमांगनेट ने अल्प क्वांटिटी जब पोटासियम परमांगनेट ना तेज से मिलियन मिलियन अर्थात लक्ष लक्ष कोटि कोटि परिमाणर कोटि कोटि संख्यक छोट छोट पार्टिकल अच्छी अर्थात कोटि कोटि टीन पार्टिकल को लेकर पोटासियम परमांगनेट क्रिस्टल जारी अटे व्हिच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मालर एंड स्मालर पार्टिकल्स आता जो कौन सी पानी डिजल्व करे से गुड़ बहुत 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 छोट हो जा सेम आक्टिविटी कैन भी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटल तो यही सेम आक्टिविटी को आम डेटल नहीं परीक्षा करपर जदि आम पाखे पोटासीयम परमांगनेट न थे आम जब पोटासीयम परमांगनेट जब पाई पारना तेज यही एग्जाम को जो आक्टिविटी को आम अन्य एक पदार्थ नहीं कर डेटल तो 2 ml डेटल नियो आउसमी किसी पानी रो जार नियो से किसी पा भर्ती कर 2 ml डेटल पकाओ तापर अन्य एक जार नेबो से 90 ml रो पानी नबो एथरु 10 ml बाहर कर एड करबो सिना आउ एक जार नबो से 90 ml रो पानी नबो एथरु 10 ml रो सॉल्यूशन आनी के एथरे एड करबो तो ए प्रकार भी तमे एक्टिविटी करि परबो एथरे अवश्य कलर अवश्य चेंज न होई पारे किन सेथरु स्मेल को आधार कर हम जानि परबा ओके जे प्रथम जो जारे आम नहीं से बहुत सारा स्मेल आस द्वितीयटारूपेक्षा टे कम आसतीयटे आरोप बहुत कम आस तो यही आम जापर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल अर्थात मैटर पार्टिकल गुड़िक बहुत छोट अटे दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन इवेन आम चिंता कर पार्टिकल गुड़िक ये छोट हो पारे अर्थात आम इमेजिनेशन से बहुत छोट हो ओके एटी देख किसी यूनिट विषय कहुई से विषय में आलोचना करवा देख द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एसआई अर्थ कौन देख आप इंटरनेशनल लेवल रे जेको जिन मेजर करे तार गोटे यूनिट थाए जो यूनिट को सारा वर्ल्ड लोक मैंने ग्रहण करती अर्थात भारत भी ग्रहण कै आमेरिका भी ग्रहण कै यूनाइटेड किंगडम भी ग्रहण कै फ्रांस भी ग्रहण कै जापान भी ग्रहण कै रशिया भी ग्रहण करे, ऑस्ट्रेलिया भी ग्रहण करे, साउथ अफ्रीका भी ग्रहण करे, तो प्रत्येक कंटिनेंटर प्रत्येक कंट्री ताको ग्रहण करती तो से प्रकार यूनिट को कहा जाए एसआई यूनिट एसआई यूनिट फुल फॉर्म कौन सिस्टमेटी इंटरनेशनल ओके सिस्टमेटी इंटरनेशनल तो सिस्टमेटी इंटरनेशनल यूनिट बोले कहा जाए तो मास रो सिस्टमेटी इंटरनेशनल यूनिट हो एसआई यूनिट हो किलोग्राम ओके द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर वॉल्यूम रो एसआई यूनिट हूँ क्यूबिक मीटर अटे जहाँ को एम क्यू बोली मतलब लिखिपर तुम ऑलरेडी एम क्यू शब्द सहित परिचित अच नहीं कि अच्छा कहल दुई र्यू के आस दुई र्यू रर्थ तीन टा दुई मल्टीप्लिकेशन तो के आस आंसर ना एट आस द कमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लिटर तो किंतु नॉर्मली आम वॉल्यूम को आम क्या द्वारा मेजर करे स्पेशल लिटर द्वारा मेजर करा जाए तो 1 liter इक्वल टू 1 decimeter क्यूब ओके आ 1 liter इक्वल टू 1000 ml आ 1 ml इक्वल टू 1 semi क्यूब तो ये प्रकार किसी एसआई यूनिट अच्छी देखा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर तो मैटर जो पार्टिकल थाए तार आउ कौन कौन सब कैरेक्टरिस्टिक्स थाए तो से विषय में ब्रीफली देखिबा आउ अंडरस्टैंडिंग करिबा बा लर्न करिबा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम मैटर जो पार्टिकल गुड़िक थाए सपोज यह हूँ एक मैटर जो थे ये जगह हूँ बहुत सारा पार्टिकल जो पार्टिकल गुड़िक थाए ये पार्टिकल पार्टिकल भितर किसी गेप थाए बा किसी स्पेस थाए ओके बुझिपाल तो इन एक्टिविटी 1.1 and 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ सुगर सॉल्ट डेटल और पोटासियम परमांगनेट गॉट इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर आम एक्टिविटी 1.1 and 1.2 आम कौन देखे ना पानी में किसी से सुगर सॉल्ट कि डेटल कि पोटासियम परमांगनेट जो आम एड करे से गुड़िक पानी में मिस जाऊँ
सिमिलरली ठीक से ही प्रकार जिते आम चा प्रस्तुत करछे किंबा कॉफी किंबा लेमोनेड जहाँ को निंबू पानी बोले आम कहे पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर ओके तो ये कहला जे सपोज ये गोटे आम पार्टिकल ने से पार्टिकल कौन अच्छे सपोज व्वाटर अच्छी कौन अच्छी व्वाटर अच्छी से आम कि लेंबू बा लेमन आड कले ओके तो लेमन मत गोटे मैटर अटे पानी मत गोटे मैटर अटे तो लेमन में बहुत सारा पार्टिकल अच्छे व्वाटर मत बहुत सारा पार्टिकल अच्छे तो लेमन जो आम आड करे तो लेमन रार्टिकल गुड़िक पानी जो पार्टिकल अच्छे से भितर खुंजी जाती से रही जाती तो देख एटी जो पानी पार्टिकल थी से बहुत सारा गेप भी था जो आम लेमन आड कले तो लेमन पार्टिकल गुड़िक गेप रहीगला ओके तो ये कहीपर जे मैटर रे जो पार्टिकल गुड़िक थाए से पार्टिकल पार्टिकल भितर बहुत सारा गेप थाए बहुत सारा स्पेस थाए दिस शोज दैट तो यह दर्शाए जे देर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर जे मैटर रे जो पार्टिकल गुड़िक थाए से भितर बहुत सारा स्पेस रही थाए तो यहाँ हूँ प्रथम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर सेकेंड कौन अटे ना मैटर रे जो पार्टिकल गुड़िक थाए कंटिन्यूसली मूव करती अर्थात से निजर जगह परिवर्तन करती निजर स्थान परिवर्तन करती ओके तो यहाँ हूँ गोटे ऑब्जेक्ट ये बहुत सारा जो पार्टिकल गुड़िक थाए कंटिन्यूसली निजर जगह परिवर्तन करती अर्थात मूव करती अर्थात सपोज यह हूँ गोटे पार्टिकल तो किसी समय पर ये निजर जगह चेंज करदेव तो से विषय आम देखा आप देख गोटे आक्टिविटी देखिए तो आक्टिविटी 1.3 देखा पुट अन ऑनलिट इनसेंस स्टिक इन ए कर्नर ऑफ योर क्लास निज क्लास जला ही नथिबा एक धूपकाठी नियो ओके अनलिटर अर्थ हो जला ही नथिबा इनसेंस स्टिक अर्थ हो धूपकाठी तो जला ही नथिबा एक धूपकाठी नियो आ क्लास रख हाउ क्लोज टू यू हैव टू गो नियर इट सो आज टू गेट इट्स स्मेल तुम्हें से ही धूपकाठी रत पाखापाखी गले तार स्मेल को तुम्हें जापर द्वितीय कौन कहला द्वितीय कहला जे से ही धूपकाठी को बर्तमान लाइट कर अर्थात से निया लगाओ व्हाट हैपेंस कौन है डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस तुम्हें बहुत दूर रही मत तार स्मेल को जापार कि रेकर्ड योर ऑब्जर्वेशन ओके तो प्रथम कौन कराला ना एक धूपकाठी निला जहाँ को जला है ना तुम्हें तार जब स्मेल पाया चाहू तेज निहत रूप तार बहुत पाखापाखि आसा पड़ो जब से आम कि निया लगेदे बंद करदे लाइट करदे तेज आम बहुत दूर रही तार स्मेल को आम जापर अर्थात ये कौन है ना जो निया लगा तार पार्टिकल गुड़िकम आम नाक पाख को आसपार अर्थात से मैंने मूव कले ओके किंतु पार्टी जब न जल्ले तार आम स्मेल को बारी पार अल्प किसी दूरते रहीकि अर्थात आमको पूरा धूपकाठर पूरा नजदीक जा पूरा पाखापाखी जीवार किसी आवश्यकता ना गोटे अल्प किसी दूरते रही आम जापर कि निया लगे बहुत दूरते थे आम जापर आक्टिविटी 1.4 दि ग्लास किंबा दुईट बिकर निय जो थे पा फुल थी से किसी ब्लू कलर किंबा रेड कलर किसी इंक से धीरे धीरे आड कर ओके तापर कौन करवा गोटाक सपोज यह हूँ एक ग्लास जहाँ को आम दे सपोज ए नामक ग्लास आउ एक ग्लास ना जहाँ को ना दे बी नामक ग्लास तो ये मत कौन करें करा कि पा आड करवा एमें कि आम पा आड करवापर एथे किसी ब्लू कलर किसी इंक आम आड करवा एम कि ब्लू कलर किसी इंक आम आड करवापर कौन करवा प्रथम सरी टी भूल आउ थे एगेन देखा दुईट बिकर ने ए नामक बिकर एंड बी नामक बिकर एथे किसी आम पा एम कि आम पा ने कौन करा कि ब्लू कलर हो किंबा आमर रेड कलर किसी इंक आड करवा ओके एथे किसी बी सॉरी ब्लू कलर हो किंबा रेड कलर किसी आम इंक आम आड करवा बी रूपक जो जार अच्छी जो जो ग्लास अच्छे से कौन आड करा किसी हनी आड करवा कौन आड करवा किसी हनी ओके तो किसी एथे हनी आड करवा एथे किसी इंक आड करवा तापर दीट जाक आम रखिदे गोटे जगार बसिक देखा अच्छा कहला भितर कौ मेटरटा पाने शीघ्र मिशिव इंक मिशिव ना हनी मिशिव आंसर आसो ओबियसली इंक तो इंकटा पाने पूरा अति शीघ्र मिशिव कितु हनीटा मिसापी
କିଛି ତାକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ତାକୁ ସେ ସେ ତାକୁ ସେମିତି ମିଶିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଦିଅ। ତାପରେ ନିଜର ଅବଜରଭେସନକୁ ରେକର୍ଡ କର। ହ୍ୱାଟ ୟୁ ଅବଜର୍ଭ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆଫ୍ଟର ଆଡ଼ିଙ୍ଗ ଦ ଇଙ୍କ ଡ୍ରପ୍। ଇଙ୍କ ଡ୍ରପ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼୍ କଲ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ନା ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ହନିକୁ ତୁମେ ଆଡ଼୍ କଲ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ମିଶିବ। ହାଉ ମେନି ଆୱାର୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ ଡେଜ୍ ଡଜ୍ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ଫର୍ ଦି କଲର୍ ଅଫ୍ ଇଙ୍କ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଇଭେନ୍ଲି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାଟର୍। ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ବା କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଇଙ୍କକୁ ପାଣିରେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମିଶିବା ପାଇଁ? ତ ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ହନି ଅପେକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭିଟି 1.5 ଦେଖିବା। ଡ୍ରପ୍ ଏ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଅଫ୍ କପର ସଲଫେଟ୍। ତ କିଛି କପର ସଲଫେଟ୍ର କିଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନ କପର ସଲଫେଟ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ନେମ୍ରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ? CuSO4। ସିୟୁ ଅର୍ଥରେ କପର, ଏସ୍ ଫର୍ ସଲଫର, ଓ ଫର୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଓକେ, ତ CuSO4 ହେଉଛି କପର ସଲଫେଟ୍। ତ କିଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲିନ କପର ସଲଫେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ହେଉ, ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର କେମିକାଲ ନେମ୍ କହିଥିଲି KMnO4। ଓକେ, KMnO4। ତ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କପର ସଲଫେଟ୍ ହେଉ, ତାର କିଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ନିଅ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅ, ସେଥିରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ପକାଅ, ଆଉ ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ଏହି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଯାକ ପକାଅ। ସିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ନିଅ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କୋଲ୍ଡ ୱାଟର ନିଅ। ଓକେ, ତ ସେ କହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କିଛି ଆମେ ହଟ୍ ୱାଟର ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପକାଇବା, ଏଠି କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେବା ଏବଂ ସେଥିରେ କିଛି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ସେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇ ଜାଗ ପାତ୍ରର ବଟମ୍ରେ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଥିଲା ହଟ୍ ୱାଟର ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିଲା କୋଲ୍ଡ ୱାଟର। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ପକାଇବା ସେ ତଳେ କ'ଣ ହେବ, ମଣ୍ଡ ବସିଯିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ମଣ୍ଡ ବସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଗରମ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି, ତ କେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟା ବା କେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଣିରେ ମିଶିବ ଭାବିଲ ଟିକିଏ? ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ଗରମ ପାଣି। ତ ଗରମ ପାଣିରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ସେ କପର ସଲଫେଟ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ର ହେଉ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମିଶିବ, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଟିକିଏ ଲେଟ୍ରେ ମିଶିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ସଜେଷ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ସଲିଡ୍ ଅର୍ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଲେ, ସେ ପାଣିଟା ହେଉଛି, ସେ ଗରମ ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଉ, ତାହା ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି ନାଇଁ କି? ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପକାଇଲେ ତାହା ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ସଲିଡ୍ର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ ବା ମେଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ରୂପକ ମେଟର ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛେ, ତ ସେ ଦୁଇଟା ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କିନ୍ତୁ ସେ ମିଶିବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେଉଁଥିରେ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ, ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା ଯଦି ଗରମ ଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଯଦି ଗରମ ଥିବ, ତେବେ ସେଥିରେ କଠିନ ରୂପ ବା ସଲିଡ୍ ରୂପକ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ନେଉଛେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ମିଶିଯାଏ, କା ଅପେକ୍ଷା ନା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ନେଇଥିବା ତା ଅପେକ୍ଷା। ଆଚ୍ଛା, ଡଜ୍ ଦି ରେଟ୍ ଅଫ୍ ମିକ୍ସିଂ, ତ ଯେଉଁ ମିଶିବାର ଯେଉଁ ହାରଟା, ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆଧାର କରି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ କି? ତ ଆନ୍ସର୍ ଆସ ୟେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଥ୍ରୀ। ଆଚ୍ଛା, ହ୍ୱାଇ ଆଣ୍ଡ ନା ହାଉ, କାହିଁକି ଆଉ କିପରି ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ବା ଟେମ୍ପରେଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମିକ୍ସିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଏହି ଆନ୍ସର୍ର ବା ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଥ୍ରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖିଲେ, ଫ୍ରମ୍ 1.3, 1.4 ଆଣ୍ଡ 1.5, ୱି କ୍ୟାନ୍ କନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। କ'ଣ କନକ୍ଲୁଜନ୍? ଯେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ମେଟର୍ ଆର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୁଭିଂ, ଯେକୌଣସି ମେଟର୍ର ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୁଭ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଥାଏ, ସେ ଏନର୍ଜିକୁ କୁହାଯାଏ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି। ଓକେ, କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମଟା, ଆକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଯେକୌଣସି ମେଟର୍ର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନବରତ ମୁଭ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ଆମେ ରାଇଜ୍ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ଲି ବୁଲନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅଧିକ କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପଳେଇ ଆସେ। ସୋ ୱି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦାଟ, ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ୱିଥ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍, ଯେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଯଦି ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା, ତେବେ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାଇନେଟିକ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୋଇଯାଏ। ତ ଗରମ ପାଣିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପକାଇଲେ, ତ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁ ସେଠାରୁ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ହାସଲ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମିଶିଲେ। ଓକେ, ତ ସେ ଉପର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇଗଲେ। ଇନ୍ ଦି ଏବଭ୍ ଥ୍ରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏହି ତିନିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟିରୁ ୱି ଅବଜର୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଇଣ୍ଟର୍ ମିକ୍ସ ଅନ୍ ଦେର୍ ଓନ୍ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର୍, ଯେ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶାମିଶି ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ଟିକଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ସେ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି।
दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये देखो गोटे डिफ्यूजन डेफिनेशन आसला। डिफ्यूजन अर्थ कौन? दि प्रकार जो मैटर नेबा एवं दि प्रकार मैटर पार्टिकल गुड़ी जो परस्पर भितर मिक्सिंग हे इंटरमिक्सिंग हे तेज आम डिफ्यूजन कहवा। तो डिफ्यूजन हूँ गोटे प्रकार प्रोसेस अटे जो प्रोसेस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन हूँ गोटे प्रकार प्रोसेस जो प्रोसेस दुई प्रकार मैटर दुई प्रकार पार्टिकल गुड़िक परस्पर भितर इंटरमिक्स हमें तो डिफ्यूजन बोली कहवा। वी अल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। आम आम देखिले देखिले जदि गोटे मैटर को जब आम हिट करुचे गरम करुचे तो डिफ्यूजन प्रोसेसटा आ स्पीड हो जाए। ओके, व्हाई डज दिस हैपन? इमित कौन पे हुए? आर आंसर आम ऑलरेडी एडे ऊपर देखी सारे जेको ऑब्जेक्ट जब आम हिट करुचे तो ऑटोमेटिक से ही मैटर पार्टिकल गुड़िक अधिका एनर्जेटिक हो जाती अधिका से काइनेटिक एनर्जी पलै आसे जहाद्वारा से मैंने शीघ्र शीघ्र मिशंती। आज ये थाउ बाकी आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा। जदि आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो यथाशीघ्र आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु ता सहित ऑल नोटिफिकेशन मत क्लिक करूँ जहाद्वारा एक प्रकार एजुकेशन वीडियो सर्वप्रथम आपन पाई परबे या सहित निज फ्रेंड मध्ये मते शेयर करूँ।